बढ़िया लगी, क्या बढ़िया लगा? कहानी अच्छी लगी। अजय देवगन कैसे लगे? नए एक नंबर लगे, बढ़िया मजा आया। कैसी लगी मूवी आपको? कैसी लगी मूवी सर आपको? अच्छा अच्छा, कैसी लगी मूवी आपको? एकदम बंडल है भाई। क्या तो बकवास लगा आपको? अरे एकदम सर दर्द पीछे बार बार दिखा रहे हैं, बार बार एक वही कहानी बार बार दिखा रहे हैं। पसंद नहीं आया आपको? बोल बोल तो कोई चाहे बोले। कैसी लगी मूवी? अरे थिएटर में पब्लिक सो रही है, एकदम बकवास मूवी है, फ्लॉप पिक्चर है। क्या बकवास लगा सर आपको? कुछ स्टोरी नहीं है पिक्चर में, कुछ भी नहीं है। अजय देवगन कैसे लगे आपको? अजय देवगन का स्टोरी वो घड़े घड़े एक ही घड़े घड़े रिपीट हो रहे हैं सब। मूवी आपको? नहीं उतना खास नहीं, स्लो है पिक्चर। स्टोरी भी एक लव स्टोरी का छोटा सा स्टोरी है और कुछ मजा नहीं आया। नहीं नहीं मजा नहीं, कुछ मस्त लगा। हाँ मस्त लगा। क्या अच्छा लगा बात? लव स्टोरी सही एकदम। लव स्टोरी सही लगा आपको? हाँ हाँ। अजय देवगन का कैसा लगा आपको? वो दोनों काम सही है। दोनों काम सही है। हाँ दोनों काम सही है। कैसी लगी मूवी आपको? एवरेज। क्या एवरेज लगा इस बात करें मूवी के अंदर तो आपको क्या एवरेज लगा? एवरेज मतलब कहानी का एंड कुछ और होना चाहिए था, जस्टिफाई नहीं हुआ था, टाइटल जस्टिफाई नहीं हुआ। अच्छा, बाकी स्टार का से काम कैसा था? अरे वो तो दिग्गज स्टार का से, उनका क्या काम, उनको एक्टिंग से कहेंगे नहीं, नहीं बता रहे कैसा। नाइस 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 परफॉर्मेंस। कितना रेटिंग देना चाहोगे मूवी को? 3.5। भाई इसका मूवी का टाइटल जो है ना औरों में कहाँ दम था नहीं होना चाहिए था, इसका टाइटल होना चाहिए था मैं हमारी अधूरी कहानी पार्ट टू। यार मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं मूवी में, औरों में कहाँ दम था सिर्फ टाइटल मूवी का, पिक्चर में बिल्कुल दम नहीं था। नीरज पांडे क्या बनाने की कोशिश की है उनको खुद को पता नहीं है, क्या लव स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं उनको खुद को पता नहीं है। आज की जो जनरेशन है ना भाई, वो ये लव स्टोरी हजम ही नहीं होगा। क्या फ्लैशबैक प्रेजेंट यार पूरी पकाऊ मूवी है। अजय देवगन की करियर की सबसे महा बकवास मूवी है। मैं बोलूँ ना अजय देवगन और तब्बू को लेकर ना इन्होंने वेस्ट कर दिया, क्योंकि जब भी तब्बू और अजय देवगन बड़े स्क्रीन पर आते हैं ऑडियंस को हमेशा मूवी पसंद आती है। ये फर्स्ट मूवी रहेगी जो ऑडियंस को पसंद नहीं आने वाली। मूवी में कुछ नहीं है, सिर्फ क्लाइमैक्स जो है मूवी का 15 से 10 मिनट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, बाकी तो यार मूवी पूरा का पूरा सिलोपन है, कुछ नहीं है। म्यूजिक में भी दम नहीं है, आपको कोई गाने भी याद नहीं रहेंगे। फाइट सिक्वेंस जेल वाला अच्छा लगा मुझे, बाकी जो नया एक्टर है साई मंजरेकर है, ये दोनों को क्या ज़रूरी था वो बचपन का कैरेक्टर में ढालने के लिए। खुद अजय देवगन जवान बन जाते हैं और तब्बू वो मेकअप वेकअप करके जवान बना देते हैं तो बेटर होता। यार मूवी मेरे को फुलो एवरेज लगी भाई। मूवी को मैं 2.5 स्टार दूंगा, 2.5 स्टार। और मैं कहा दम था, दम ही नहीं है। प्लीज़ मूवी जाके मत देखो, इससे अच्छा आप घर पे टीवी पे ना अजय देवगन की पुरानी पिक्चर देख लो, वो चलेगा। ये पिक्चर देखने मत आओ यार। क्या बेकार? अरे देखो यार, सबसे पहली बात, कोई भी अगर आप मूवी बनाते हो स्टोरी मूवी का बैकबोन होता है। चलो आपके पास स्टोरी नहीं है तो कम से कम आप वो एंटरटेनिंग स्क्रीन प्ले कैसे दिखा रहे हो? आता पता ही नहीं है, कभी थोड़ी थोड़ी देर में शांतनु महेश्वरी साई मांजरेकर आ रहा है, कभी इसमें अजय देवगन का अलग सीन दिखा रहा है, कभी तब्बू का। मतलब आप क्या टोटल टॉर्चर दे रहे हो आप ऑडियंस को यार, ज़रा भी नहीं यार। मैं इंटरवल में घर भाग रहा था पर जिमी शेर के लिए मैं आधा हाफ देखा सेकेंड हाफ, वरना मैं तो ऐसे ही घर भाग रहा था। म्यूजिक भी दम नहीं है यार, बहुत 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 एवरेज सा म्यूजिक है। जिमी शेरगिल को यार आपने वेस्ट कर दिया। ये पिक्चर को थिएटर में क्यों लगाया यार? संडे तक भी नहीं चलेगी, OTT पे डाल दो, नहीं चलेगी ज़रा भी नहीं। 2 स्टार। 2 स्टार। 1 स्टार नीरज पांडे, बिकॉज ऑफ नीरज पांडे डायरेक्टर है, और 1 स्टार स्टार कास्ट अच्छी थी पर उन्होंने सही से काम नहीं दिया किसी को।